तो हेलो फ्रेंड्स, तो इसमें भी वही टेक्निक यूज़ करूँगा मैं जो मैंने पहले वाले में यूज़ की थी। इसे मेजरमेंट टेक्निक कहते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से मैं पूरा फेस का स्ट्रक्चर एक ड्राइंग पेपर पे उतारूँगा। तो इसमें आप गाइस ऑब्जर्व करिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। एक एक चीज़ आपको नोट करनी है। और मेरे को इंस्टा पे किसी ने कमेंट में ये बताया था कि आप शेडिंग भी करके बताइए, जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आए कि आपके मतलब जो फेस ड्रॉ करते हो आप उसमें क्या डिफरेंस आता है। तो गाइस, इसमें बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं आता क्योंकि आप पूरा मेजरमेंट करके ले रहे हैं। मतलब इसे बेसिक मेजरमेंट कहते हैं फेस का, वो अपन ले रहे हैं इसमें। कि आपने देखा, मैंने आई का मेजरमेंट ले लिया। अब मैं उसे ड्रॉ भी कर देता हूँ। अपन अभी आउटर मतलब आउटर कट का वो ले रहे हैं, मतलब कि कितना बड़ा फेस है हॉरिजॉन्टल लेवल पे, और फिर वर्टिकल लेवल पे भी अपन इसका मेजरमेंट करेंगे। तो मैं ये देखा हूँ कि आई कितनी बड़ी है अपनी, उस अकॉर्डिंग अब मैं इसमें मेजरमेंट अप्लाई कर रहा हूँ। गाइज, आपने अगर वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है कि आप कैसे मेजरमेंट ले सकते हैं। ये तो उसका पार्ट टू है, जिसमें मैं आपको अच्छे से एक बार वापस बता रहा हूँ कि आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। और मैं इसमें आपको शेडिंग भी करके दिखाऊंगा। तो शेडिंग भी गाइज ऑब्जर्व करना, कि आपको ये ना लगे कि फेस और ड्राइंग में डिफरेंस आ रहा है। गाइज, एकदम एज इट इज ड्रॉ होती है इस टेक्निक से। जो आप मेजरमेंट ले रहे हैं और जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। इस अकॉर्डिंग आप उस लाइन को ड्रॉ करें। अगर वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, थोड़ी डायगनल है, थोड़ी शेप उसकी डिफरेंट है उससे, मतलब उसके पैरेलल नहीं है, तो आपका डायग्राम मतलब जो आपकी ड्राइंग है वो ख़राब हो सकती है और कुछ का कुछ और बन जाएगा गाइस। तो इस बात का भी ध्यान रखें। जो भी आप मतलब ये जो अपन ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींची है, इसके अलावा भी अपन कोई ड्राइंग की मतलब कोई लाइन खींचते हैं तो वो उसके पैरेलल होनी चाहिए। चाहे वर्टिकल हो तो उसके पैरेलल हो, वर्टिकल वर्टिकल पैरेलल, और हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल पैरेलल,
ऐसे गाइस आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसमें बेसिकली कंपास का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आपको इसका स्केल का करके बता रहा हूँ, जिससे कि आपको इजीली एकदम परफेक्ट पॉइंट मिल जाए। वैसे कंपास से एकदम परफेक्ट पॉइंट अपन को इजीली मिल जाता है, लेकिन स्केल से थोड़ा डिफरेंट होता है, अपन को मार्क करना पड़ता है, लेकिन कंपास में वो अप्लाई नहीं होता, वो डायरेक्ट अपन को एकदम फिक्स पॉइंट देता है। तो आप कंपास भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको स्केल का करके बता दिया, पिछली वीडियो मैंने पेंसिल से करके बताया था। गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो गाइस लाइक करना ज़रूर मत भूलिएगा। तो अपना फेस डायग्राम एकदम कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ टॉम्बो इरेजर से इजीली। अब अपन इस पर शेडिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं HB पेंसिल यूज़ करूँगा, HB से 2B और 4B और 6B पेंसिल यूज़ करूँगा, क्योंकि फेस के अकॉर्डिंग 6B इज़ द हाइएस्ट पेंसिल फेस के लिए, क्योंकि अपन को 6B से आईज में यूज़ करना है और माउथ में यूज़ करना है। इस वजह से 4B तक तो अपन को शेडिंग अप्लाई करनी है फेस पे ओनली। आप एक बार इसको फिर से एक बार चेक कर सकते हैं, खुद रिकरेक्ट कर सकते हैं कि आपकी क्या मिस्टेक है इसमें ऑब्जर्व करके। तो मेरी मिस्टेक मेरे को मिल गई, मैंने एक पॉइंट आउटर साइड कर दिया 6 को, तो मैंने उसको ठीक कर दिया गाइस। तो आप भी लाइटली एक बार री क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने मेजरमेंट एकदम परफेक्ट लिया है। तो गाइस आपने देखा कि शेडिंग कैसे कर रहे हैं, तो मैं भी इसको डीप और डेप्थ और दूंगा इसमें। अभी मैं 6B तक की पेंसिल यूज़ करूँगा। और गाइस अगर आपको कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी डाउट हो इस मेजरमेंट के रिगार्डिंग, तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपको बताऊँगा। और अगर नहीं पूछ सकते तो इंस्टा पर भी आप मेरे से कमेंट करके
पूछ सकते हैं, तो मैं आपका हर आंसर दूंगा। और अगर गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगे, समझ में आया कि कैसे आप मेजरमेंट टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं और शेडिंग भी आपने ऑब्जर्व कर ही ली होगी, तो शेडिंग भी कैसे कर सकते हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, डोंट फॉरगेट। और मिलूँगा आपसे नई वीडियो में, और नई वीडियो में रिलेटेड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक छोटे साइज़ की फ़ोटो को लार्ज साइज में मेजरमेंट टेक्निक से कैसे बड़ा बना सकते हैं, मतलब कि आप छोटी फ़ोटो को एक बड़े पेपर पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं मेजरमेंट टेक्निक से, ये भी बताऊंगा मैं। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। ओके बाय।